सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है 29 तारीख और आज है फ्राइडे। आज मैं हूँ वापी में। वापी में क्यों? क्योंकि नौसारी जा रहा हूँ, हमारे मैनेजर आ रहे तो जाना है वहाँ पे। हाँ, तो जो भी है, तो आज ना मस्त फॉगी टाइप पूरा नेचर हो रखा था। मैं सुबह नहाने जा रहा था, तभी टॉवल लेने गया तो वो भी पूरा गीला मिला सूखने के बाद में। तो अभी से थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा फॉगी सा लग रहा है एनवायरनमेंट। अभी थोड़ा थोड़ा विंटर का सीजन आने के मतलब कगार पर है। और ये कौन सी ट्रेन आ गई? आहा, शताब्दी आ गई। चलो अच्छा है, चलते मस्त है कि अभी मेरे मैनेजर रहेंगे साथ में, तो क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि मैनेजर जाने के बाद में हमें आपसे मुलाकात होगी। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको हमारे मैनेजर जाने के बाद में। लेट्स गो। और एक बात तो मुझे अभी याद आ रही है कि मैंने कल का व्लॉग एडिट किया ही नहीं, अभी तक पोस्ट किया ही नहीं। तो अभी ट्रेन में जा रहा हूँ तो उस टाइम पे एडिट करूँगा और धीरे धीरे अपलोड होगा, क्योंकि नेट अभी स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं अभी आज का व्लॉग कितने बजे मैं अपलोड कर पाता हूँ। ये ट्राई करने वाला गोविंद का क्या है, इसके ऊपर टेस्टी लिखा है, टेस्टी नहीं लग रहा है। किसकी जुबान ऐसी है जिसको ऐसी ऐसा टेस्ट मीठा लगता है? ये पिया मैंने, मैंने ना खट्टा ना मीठा ना टेस्टी ना कुछ, मतलब पीने के बाद में वापस थोड़ा सा पीने का मन कर रहा है लेकिन टेस्टी नहीं लग रहा है। चीज़ क्या है समझ में नहीं आ रही। थोड़ी भूख लग रही थी तो केले ले लिया, खाना पीना हुआ नहीं। ट्रेन अभी भी टाइम पे आ जाएगी, ट्रेन टाइम पे आने वाली। हाँ, और खाना पीना होगा नहीं, खाने पीने गया तो ट्रेन छूट जाएगी और आगे जाके मेरे को और काम है, तो सोचा मैंने केले ले लेता हूँ और मेरा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलो इससे गुजारा कर रहे हैं अभी। सो गाइज, रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, आग लग गई थी वो ट्रेन ये सामने। तो फिलहाल मैं वलसाड़ में हूँ और ये ट्रेन देखने में काफ़ी अलग, मतलब शॉकिंग लगता है कि भाई आग लग गया था। आपको दिखा दिया, सामने थी इसीलिए। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बजने वाले हैं 6:05, ऑलरेडी बज चुके हैं। देखो गाय लोगों की कौन सी ट्रेन आने वाली है पता नहीं। आएगी आएगी ट्रेन आएगी यहाँ। सो पुलिस लोग भी बैठे हैं वहाँ पे। आपको दिखाने के चक्कर में मेरे को कहाँ से जाना पड़ रहा है? वहाँ पे पुलिस लोग भी बैठे हुए, क्या खतरनाक मंजर है, पूरा जला हुआ है, काला काला अंदर से पूरा एक बोगी जला हुआ है। शायद जनरेटर में आग लगा था, शायद जनरेटर का ज़्यादा जला हुआ है। ये जनरेटर का पार्ट ज़्यादा जला हुआ है, लेकिन जो भी हो, होप्स हो किसी को हानि नहीं पहुंची होगी, इसे होप्स करता हूँ। तो चलो अभी मेरे मैनेजर तो जा चुके हैं, लेकिन अभी मैं, मेरा अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, मंथ एंडिंग है तो ज़्यादा प्रेशर है, कल का और एक दिन झेलना पड़ेगा, देखते हैं अभी। गाइस, ये रेलवे स्टेशन के पास में जो पेड़ है इसके रूट्स कितने बड़े हैं। ट्रेन कब आएगी यार? सात बज गए गाइस, मेरा लगा, मुझे लगा मेरी ट्रेन छूट गई। सो गाइस, अभी मैं
वलसाड़ से वापसी के लिए ट्रेन में बैठ चुका हूँ। 8 बजे की ये मेमो शटल है जो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी, तो 5 स्टेशन आएंगे ऐसे, तो रुकती रुकती जाएगी। और मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ 4% बैटरी बाकी है, तो मैं मोबाइल की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ब्लॉग बना रहा हूँ ज़्यादा। सीधा घर पर जाना है और खाना खा के सो जाने का, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ और बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है, चलो घर पर चलते। अभी मैं खा रहा हूँ चना भेल, जो मुझे बहुत पसंद है। 20 रुपये के लिए मैंने इतना सा, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे 20 रुपये में इतना सा भले ही मिला, लेकिन खाने में मज़ा आएगा, तो खाते हैं। सो गाइस, वापिस मैं अभी आ चुका हूँ। इनकी हल्की सी बारिश हो रही है और ऊपर से जो सिलवासा के लिए बस आती है, इलेक्ट्रॉनिक बस, उसका अभी आखिरी टाइम है, जो आखिरी बार आएगी और वापस चली जाएगी। वो बस मिलनी चाहिए वरना फिर रिक्शा में जाना पड़ेगा। हाँ, डबल भाड़ा देखे, क्योंकि मैं कंजूस हूँ ना, तो मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूँ जब कम काम में हो सकता है, तो कम पैसे में काम हो सकता है। तो चलो देखते हैं बस मिलती है कि नहीं। हाँ, मिलनी चाहिए। सो फाइनली बस आ गई। सो गाइज, फाइनली मैं घर पे पहुंच गया 10:15 बजे और खाना पीना खा लिया। मेरे को पप्पा लेने के आ गए थे, मैं बस में बैठा हुआ था और क्या हुआ कि मैंने मतलब फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, 2% बैटरी थी तो एरोप्लेन मोड पे डाल दिया। और जैसे ही स्टॉप आने वाला था, उसके 5 मिनट मैंने पहले पप्पा को फ़ोन कर दिया कि आप मुझे लेने आ जाओ। और जैसे मैं स्टॉप पे उतरने वाला था, उतने में मोबाइल स्विच ऑफ, लेकिन लकीली तभी पापा सामने से आ रहे थे, तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी और पापा के साथ मैं आ गया घर पे 10:15 या 10:30 समथिंग लाइक। और खाना पीना हो गया है, अभी 11:15 हो गए, तो अभी मेरा सोने का टाइम हो गया। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ सोने के लिए, और आज पूरा दिन काम किया तो ऑलरेडी थका हुआ हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।